क्या आपको कभी इस बात पर हैरानी हुई है कि कुछ लोग आसानी से अमीर क्यों बन जाते हैं जबकि बाकी लोग जिंदगी भर तंग हालात में क्यों फंसे रहते हैं? क्या ये अंतर उनके एजुकेशन, इंटेलिजेंस, क्वालिफिकेशंस, टाइमिंग, काम की आदतों, कॉन्टैक्ट्स, किस्मत या जॉब, बिजनेस या इन्वेस्टमेंट की चॉइस के कारण होता है? अपनी जबरदस्त किताब सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर्स माइंड में टी हार्व एकर ये दावा करते हैं कि 5 मिनट में वो बता सकते हैं कि फ्यूचर में आपके पास कितनी दौलत होगी। ऑथर आपकी मनी और सक्सेस के ब्लूप्रिंट को पहचान कर ये काम करते हैं। हम सभी के सबकॉन्शियस माइंड में मनी का पर्सनल ब्लूप्रिंट होता है और हमारी फाइनेंशियल लाइफ पर सबसे ज्यादा प्रभाव इसी का पड़ता है। आप मार्केटिंग, सेल्स, शेयर बाजार, रियल एस्टेट और फाइनेंस की दुनिया के बारे में चाहे सब कुछ जानते हो, लेकिन अगर आपका मनी का ब्लूप्रिंट सक्सेस के हाई लेवल के लिए डिटरमिनेट नहीं है तो आपके पास कभी ज्यादा पैसा नहीं रहेगा, और अगर किसी कारण रहा भी तो शायद आप उसे जल्द ही गंवा देंगे। अच्छी खबर ये है कि अब आप नेचुरल और आसान सक्सेस को पैदा करने के लिए अपने मनी के ब्लूप्रिंट को दोबारा बना सकते हैं। सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर्स माइंड में दरअसल एक नहीं, दो किताबें हैं। पहला पार्ट ये क्लियर करता है कि आपके मनी का ब्लूप्रिंट कैसे काम करता है। ऑथर टी हार्व एकर के अनुसार हमारे बचपन के प्रभावों ने हमारी आर्थिक तकदीर को तय किया है। हम ये भी सीखेंगे कि अपने खुद के मनी के ब्लूप्रिंट को कैसे पहचानना है और इसे कैसे बदलना है ताकि हम ना सिर्फ सक्सेस पा सके बल्कि इससे भी ज्यादा जरूरी इसे कायम रख सके और लगातार इसका विस्तार कर सके। तो शुरू करते हैं एक और बेहतरीन बुक सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर्स माइंड पर रिव्यू। साथ ही अगर आप हमें डोनेशन देना चाहते हैं तो हमारे पेटीएम नंबर 9013679890 पर मनी ट्रांसफर कर सकते हैं जिससे हम आपके लिए और अच्छे से काम कर सके। वहीं अगर आपने फुटलेस जीके के चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने उन लोगों के बारे में सुना है जिन्होंने खुद को फाइनेंशियली बर्बाद कर डाला है? क्या आपने इस बात पर गौर किया है कि कुछ लोगों के पास ढेर सारा पैसा तो आ जाता है लेकिन वो उसे गंवा देते हैं, या फिर कुछ लोगों के पास बेहतरीन अवसर होते हैं और उनकी शुरुआत भी अच्छी होती है लेकिन बाद में सब कुछ टाए-टाए फिस हो जाता है? अब आप असली वजह जानते हैं। बाहर से तो ये बदकिस्मती, अर्थव्यवस्था की मंदी या बुरा पार्टनर या चाहे जो दिख सकता है, बहरहाल अंदर की तरफ ये एक अलग ही मामला है। अगर आपके पास बहुत सा पैसा आ जाए लेकिन आप अंदर से इसके लिए तैयार ना हो तो इस बात की संभावना है कि दौलत आपके पास ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी और आप उसे गंवा देंगे। इसे अच्छी तरह एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। कौन बनेगा करोड़पति के 5वें सीजन में 5 करोड़ का इनाम जीतने वाले सुशील कुमार साल 2011 में एक हीरो बनकर उभरे थे। वो उस वक्त तक के पहले प्रतिभागी थे जिन्होंने 5 करोड़ का इनाम जीता था। सुशील बिहार के बेहद गरीब फैमिली से थे। उन्होंने केबीसी सीजन 5 में 5 करोड़ की प्राइज मनी जीती थी लेकिन सुशील की बदली हुई किस्मत फिर से पहले जैसी हो गई है। वो फिर से गरीब हो गए हैं और इस वक्त सुशील के पास ना तो ढंग की जॉब है और ना ही उतना पैसा। हालत ये है कि कुछ समय के लिए मोतिहारी में कंप्यूटर ऑपरेटर रह चुके सुशील के पास इन दिनों कोई काम नहीं है। टैक्स वगैरह कटने के बाद उन्हें प्राइस मनी के रूप में करीब 3.6 करोड़ रुपए मिले थे। सुशील के अनुसार अब उनके पास ज्यादा पैसे नहीं बचे। कुछ पैसा उन्होंने पुश्तैनी घर बनाने में लगा दिया और कुछ भाइयों के बिजनेस में, जिसके बाद वो फिर से पहले की तरह गरीब हो गए हैं। ज्यादातर लोगों के पास ढेर सारे पैसे बनाने और रखने की आंतरिक क्षमता ही नहीं होती है। उनके पास ज्यादा दौलत और सक्सेस के साथ आने वाली चुनौतियों से निपटने का तरीका ही नहीं होता है। यही वो मूल कारण है जिस वजह से उनके पास कभी ज्यादा पैसा नहीं होता। लॉटरी जीतने वाले इसका आइडियल एग्जाम्पल है। रिसर्च से बार बार ये पता चला है कि लॉटरी जीतने वाले चाहे जितनी बड़ी राशि जीत लें, उनमें से ज्यादातर आखिरकार अपनी पुरानी फाइनेंशियल कंडीशन में लौट आते हैं, यानी उतनी राशि पर जितने के साथ वो आरामदेह रहते हैं। दूसरी तरफ खुद के दम पर मिलियनेयर्स बनने वालों के साथ इसका उल्टा होता है। ध्यान दें कि जब सेल्फ मेड मिलियनेयर्स पैसा गंवा देते हैं तो आमतौर पर वो इसे बहुत कम टाइम में ही वापस भी पा लेते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसके बेहतरीन मिसाल हैं। ट्रंप के पास बिलियनों डॉलर थे, उनका सारा पैसा डूब गया लेकिन कुछ साल बाद उन्होंने न सिर्फ डूबी दौलत पा ली बल्कि इससे भी ज्यादा कमा ली। ऐसा क्यों होता है? कारण ये है कि हालांकि कुछ सेल्फ मेड मिलियनेयर्स पैसा तो गंवा सकते हैं लेकिन वो अपनी सक्सेस के सबसे महत्वपूर्ण तत्व को कभी नहीं गंवाते हैं।
उनका मिलियनेयर दिमाग। जाहिर है डोनाल्ड के मामले में ये उनका बिलियनेयर दिमाग है। क्या आपको एहसास है कि डोनाल्ड ट्रंप कभी सिर्फ मिलियनेयर बनकर खुश नहीं रह सकते थे? अगर डोनाल्ड ट्रंप की कुल संपत्ति सिर्फ $1 million होती तो आपके हिसाब से वो अपनी फाइनेंशियल सक्सेस के बारे में क्या महसूस करते? ज्यादातर लोगों की राय यही होगी कि वो शायद खुद को दिवालिया और फाइनेंशियल दृष्टि से असफल मानते। ऐसा इसलिए है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का फाइनेंशियल थर्मोस्टैट मिलियंस पर नहीं बिलियंस पर निर्धारित है। ज्यादातर लोगों का फाइनेंशियल थर्मोस्टैट मिलियंस नहीं हजारों डॉलर कमाने पर निर्धारित होता है। कुछ लोगों का फाइनेंशियल थर्मोस्टैट हजारों पर भी नहीं बल्कि सैकड़ों पर निर्धारित होता है, जबकि कुछ का फाइनेंशियल थर्मोस्टैट तो जीरो से भी नीचे डिटरमिनेट होता है। वो लोग बुरी तरह ठिठुर रहे हैं लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है। सच्चाई ये है कि ज्यादातर लोग कभी अपनी पूरी क्षमता तक पहुँच ही नहीं पाते हैं। ज्यादातर लोग सफल नहीं हैं। रिसर्च से पता चलता है कि 80% लोग कभी भी अपनी मनचाही जिंदगी जीने के लिए फाइनेंशियल रूप से स्वतंत्र या आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे और ये 80% लोग कभी सचमुच सुखी होने का दावा नहीं कर पाएंगे। कारण आसान है, अधिकांश लोग बेहोशी में जी रहे हैं। वो स्टीयरिंग व्हील पर झपकी ले रहे हैं। वो जीवन के सतही स्तर पर काम करते और सोचते हैं जो सिर्फ उस पर आधारित होता है जिसे वो देख सकते हैं। वो सिर्फ ऊपरी तौर पर दिखाई देने वाले संसार में जीते हैं। एक पेड़ की कल्पना करें। मान ले कि ये जीवन का पेड़ है। इस पेड़ पर फल लगे हैं। जीवन में हमारे फल हमें मिलने वाले रिजल्ट हैं। हम इन फलों को देखते हैं और वो हमें पसंद नहीं आते हैं। वो कम हैं, छोटे हैं या उनका स्वाद अच्छा नहीं है। तो हम आदतन क्या करते हैं? हम में से ज्यादातर लोग फलों पर यानी मिलने वाले रिजल्ट्स पर ध्यान देते हैं, लेकिन वो फल रियल में आए कहाँ से हैं? फल तो बीज और जड़ों से पैदा हुए हैं जो जमीन के अंदर है। वो जमीन के ऊपर की चीजों को पैदा करता है जो दिखता नहीं है। वो दिखने वाली चीजों की रचना करता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आप फलों को बदलना चाहते हैं तो पहले आपको जड़ों को बदलना होगा। अगर आप दिखाई देने वाली चीजों को बदलना चाहते हैं तो उसके पहले आपको अदृश्य चीजों को बदलना होगा। जाहिर है कुछ लोग कहते हैं कि जो दिखता है वही सच होता है। ऐसे लोगों से एक ही सवाल है, आप लोग बिजली का बिल भरने की झंझट क्यों पालते हैं? हालांकि आप बिजली को देख नहीं सकते लेकिन आप बेशक इसकी शक्ति को पहचान सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको इसके अस्तित्व के बारे में किसी भी तरह का डाउट हो तो अपनी उंगली बिजली के किसी सॉकेट में डालकर देख लें। दावा है कि आपके सारे डाउट्स एक झटके में काफूर हो जाएंगे। ऑथर के अनुसार आप इस दुनिया में जो नहीं देख सकते हैं वो किसी भी दिखने वाली चीज से ज्यादा शक्तिशाली होता है। आप इस बात से चाहे सहमत हो या ना हो लेकिन जिस हद तक आप इस सिद्धांत को अपने जीवन में लागू नहीं करते हैं उस हद तक आपको दुख उठाना पड़ेगा, क्योंकि आप नेचर के उन नियमों के खिलाफ जा रहे हैं जिनके द्वारा जमीन के नीचे की चीज जमीन के ऊपर की चीज को पैदा करती है, जिसके द्वारा ना दिखने वाली चीजें दिखने वाली चीजों को पैदा करती है। इंसान नेचर से ऊपर नहीं है बल्कि उसका हिस्सा है। इसका मतलब ये है कि जब तक नेचर के नियमों के अनुरूप चलते हैं और अपनी जड़ों यानी अपने आंतरिक संसार पर काम करते हैं तो हमारे जीवन का प्रवाह अच्छा रहता है। जब हम ऐसा नहीं करते हैं तो जिंदगी मुश्किल हो जाती है। दुनिया के हर जंगल, हर खेत, हर बगीचे में जमीन के अंदर की चीजों ने ही जमीन के ऊपर की चीजों को पैदा किया है। इसलिए उग चुके फलों पर ध्यान केंद्रित करना बेकार है। जो फल इस वक्त पेड़ पर लटक रहे हैं आप उन्हें नहीं बदल सकते हैं, पर हाँ भविष्य में मिलने वाले फलों को आप जरूर बदल सकते हैं। लेकिन ऐसा करने के लिए आपको जमीन की खुदाई करनी होगी और जड़ों को मजबूत करना होगा। ऑथर 4 क्वाड्रेंट का फॉर्मूला बता रहे हैं। ऑथर के अनुसार हमें एक बहुत जरूरी बात समझ लेनी चाहिए कि हम अस्तित्व के सिर्फ एक धरातल पर ही नहीं रहते हैं, हम एक साथ कम से कम 4 अलग-अलग धरातलों पर रहते हैं। ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं फिजिकल वर्ल्ड, मेंटल वर्ल्ड, इमोशनल और स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ज्यादातर लोगों को इस बात का कभी एहसास ही नहीं होता है कि फिजिकल वर्ल्ड तो बाकी 3 क्वाड्रेंट्स का सिर्फ प्रिंट आउट है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपने अभी अभी अपने कंप्यूटर पर एक लेटर टाइप किया है। आप प्रिंट बटन दबाते हैं और लेटर आपके प्रिंटर में से बाहर निकल आते हैं। प्रिंट आउट में आपकी एक गलती दिख जाती है। आप इरेजर निकालते हैं और इस गलती को मिटा देते हैं। फिर आप दोबारा प्रिंट बटन दबाते हैं लेकिन दोबारा वही लेटर निकल आता है और इसमें गलती जहाँ की तहाँ मौजूद होती है। ऐसा कैसे हो सकता है? आपने अभी तो मिटाया था, तो इस बार आप एक ज्यादा बड़ा इरेजर लाते हैं और गलती को ज्यादा मेहनत से ज्यादा देर तक मिटाते हैं। आप कुछ किताबों में पढ़ते हैं कि इरेजर का अच्छे से इस्तेमाल कैसे करें। अब आपके पास अपनी जरूरत के सारे साधन और जानकारी है, आप तैयार हैं। आप फिर प्रिंट बटन दबाते हैं लेकिन ये क्या, फिर वही प्रिंट आउट हो ही नहीं सकता। आप हैरानी से चिल्लाते हैं
ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ हो क्या रहा है, अब मैं पागल हो चुका हूँ। यहाँ पर हो ये रहा है कि असली समस्या प्रिंट आउट यानी फिजिकल वर्ल्ड में नहीं बदली जा सकती, इसे तो सिर्फ प्रोग्राम यानी इमोशनल और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ही बदला जा सकता है। मनी रिजल्ट है, दौलत रिजल्ट है, सेहत रिजल्ट है, बीमारी रिजल्ट है, आपका मोटापा भी रिजल्ट है। हम रीजन और रिजल्ट की दुनिया में रहते हैं। क्या आपने कभी किसी को ये कहते सुना है कि पैसे की कमी ही समस्या है? अब ये बात सुन ले, पैसे की कमी कभी भी समस्या नहीं होती है। पैसे की कमी तो सिर्फ ये बताती है कि अंदर क्या चल रहा है। पैसे की कमी रिजल्ट है, लेकिन इसकी जड़ यानी कारण क्या है, यही मुद्दे की बात है। अपनी बाहरी दुनिया को बदलने का एकमात्र तरीका पहले अपने अंदरूनी दुनिया को बदलना है। आपको जो भी रिजल्ट मिल रहे हो, चाहे वो लाभदायक हो या हानिकारक, अच्छे हो या बुरे, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, हमेशा याद रखें कि आपका बाहरी संसार सिर्फ आपके अंदरूनी संसार का आईना है। अगर आपकी बाहरी जिंदगी में चीजें अच्छी नहीं हो रही है, तो इसका कारण है कि आपकी अंदरूनी जिंदगी में चीजें अच्छी नहीं हो रही है। बाकी की बातें टू बी कंटिन्यूड। इस वीडियो के अंत में आप सभी से एक सवाल है, आपको लखपति, करोड़पति या अरबपति में से क्या बनना है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये जरूर बताएं।